नहीं मुझे तो आता नहीं है ना, मैं तो रिएक्शन चैनल हूँ। अभी मैं समझ गया कि रोस्ट कैसे करना है, रुक कर। रिएक्शन चैनल को कुछ नहीं कहना भाई, ट्रिगर्ड इंसान। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। बॉयज रिएक्शन करेंगे आज हम लोग क्रिकेट इंसान की वीडियो पे, जिसका नाम है यूट्यूब शॉर्ट इज द न्यू टिकटॉक। और ये मैं खुद रीड करके जो है बहुत उस वक्त मैंने सोचा ये कि यार ये तो मैं खुद कुछ दिन पहले सोचता था कि यूट्यूब शॉर्ट ये क्या सीन है, इतने व्यूज आते हैं लेकिन जब चैनल विजिट करो तो उस पर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने ये जरूर देखनी है वीडियो, मिलकर रिएक्शन करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। ये उस समय की बात है जब क्रिंज अपनी चरण सीमा पर था। कल के पैदा हुए निब्बे निपिया पढ़ाई छोड़ के सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने फिर रहे थे। बालों में कलर करा के कतई शाकाला का बूम बूम की पेंसिल बने फिर रहे थे। वीडियोस के लिए कुछ भी कर रहे थे और इस सब का रीजन था वो एक ऐप टिकटॉक। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने टिकटॉक के खिलाफ आवाज उठानी शुरू करी, लेकिन फिर एक मसीहा आया, वो रेवोल्यूशनरी जिसने टिकटॉक के लिए आवाज उठाई। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui। जिसके बाद एक युद्ध हुआ, वो युद्ध जो वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू से भी भयंकर, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच से भी भयंकर, वो युद्ध जिसने I like it because it's so sarcastic, just the kind of comedy I like, sarcasm से भरी हुई। This TikTok का महासंग्राम। Oh man! लेकिन फिर एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ। उन सब चाइनीज ऐप्स है, TikTok को भी भारत में बैन कर दिया गया है। पहली फुर्सत में निकल। टिकटॉक बंद होने के बाद काफी सारे टिकटॉकर्स इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियोस बनाने लगे। मीमर्स और यूट्यूबर्स मस्त खुश अपना जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी सुजन दीदी ने एक बड़ा धमाका किया। मैं यूट्यूब की सीईओ सुजन वुचिकी। अच्छा, और ये है यूट्यूब शॉर्ट्स। इनको पालुम भी नहीं लगा। Oh man, I love it. Triggered इंसान ने अपनी फैमिली को भी इंक्लूड कर लिया, इट इज हिलेरियस। उसके डैड क्या एक्टिंग कर रहे थे, मॉम ने आके तो दो तीन जो है गलत चीजें की, लेकिन शी जस्ट डिड हर जॉब एंड वेंट राइट आउट ऑफ द शॉट। ये यूट्यूब शॉर्ट्स है? नो वे या दे आर नहीं। टिकटॉक का कचरा आ गया। ओह माय गॉड, समथिंग्स गोना हैपन नाउ। हेरा फेरी मूवी में ना एक बहुत सही डायलॉग है कि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। इनसे टिकटॉक छीन लो, इंस्टाग्राम रील्स छीन लो, अब ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे आके भी गुड़गोबेरी करेंगे। कोयले को कितना भी धो लो, सर्फ से, निर्मा से, रिन से, वो हमेशा काला का काला ही रहता है। इसी तरह ये लोग भी कभी सुधर नहीं सकते। अबे भाई तू ढंग से पैदा तो हो ले, अंडे में से चोच नहीं निकली है भाई, मर्डर करने चला है यहाँ पे, बड़ा गैंगस्टर बन रखा है। और ये अंडे में जो कब्जी वाला एक्सप्रेशन दिया है इसने, मेरी बंदी थी तलक देता भी था ही, तो तात डालूंगा, लाते बिता दूंगा, तू मेरी नकल करता है उड़ा दूंगा। अब ये वीडियो बनाने का ना आइडिया मुझे कैसे आया, मैं दो दिन पहले ऐसा मस्त बैठा हुआ यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस देख रहा था, एंड तब भी हेलो गाइस, ओह नो, गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, मेरे पेट में इसका बच्चा है, मेरे को प्रेग्नेंट बना के वो धोखा देके छोड़ के चला गया। आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, मैं बच्चा लेके कहाँ पर जाऊँ, आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो भाई। वो त्रिगाल इंसान को बोलो, आप लोग रिक्वेस्ट करो, जो भी करो, मेरा इसका पेट में मेरा बच्चा है, क्या बताओ आप लोग, मेरे को बोलने के बिना और कुछ। अच्छा आंटी को इतना नहीं पता चल रहा है कि जो सामने आवाज आ रही है वो लड़के की आवाज है, मतलब कम ऑन आंटी, कम ऑन। ये श्रीगाल इंसान ऐसा किया मेरे साथ, अरे क्या ये, अरे मुझे क्या पता कोई पागल है वीडियो बना, अरे मैंने कुछ नहीं किया, अरे सच्ची में मेरे को ऐसे कोई कुछ भी बोलेगा मेरे बारे में सब कुछ मान लोगे क्या, अरे सच्ची वो गर्लफ्रेंड कह रहा है, गर्लफ्रेंड भी बनाया किसको, देख ऐसे बैठी दुल्हन को, सच्ची बता, अरे मैं तो बंदा पहले बता, मैंने सच्ची में कुछ नहीं कहा, सच्ची
वैसी दरिंदा पागल होगा, मेरे को क्या पता, उसकी मर्जी, इट्स हिज चॉइस। सच्ची बोल रहा हूँ, प्रॉमिस। हाय शंपल, कसम से इस वहशी दरिंदे ने इस बालों की दुकान ने ना घर से निकलवा दिया था मुझे, तेरा वजह से मेरा। अगर इस वहशी दरिंदे से पूछ रहे कि भाई किधर से आ रहे हैं, वो बोलेगा बाल कटवा के आ रहे हैं। आत्महत्या करने का टाइम आ गया। ये क्या चीज है भाई, ये क्या है, एलियन के शक्ल के। चार महीने पहले मैंने डीजे मृणाल की जब रोस्ट वीडियो बनाई थी तब मैंने बोला था ये इंसान नहीं है, ये एलियन है, ये सच में एलियन है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। और अब ये कह रहा है कि मैंने इसको so basically ये जो वीडियो है ये डीजे मृणाल ने जो मैंने उसको रोस्ट वीडियो बनाई थी उसके रिस्पॉन्स में बनाई है, वो मुझको रोस्ट कर रहे हैं। ट्रिगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप लोग की ट्रिगर को जाके समझाओ कि आपका अपना बच्चा ऐसे होता है क्या रोस्ट, क्या ये बोल देना कि इसने मेरे दोस्त को। अच्छा अब समझा, नहीं मुझे तो आता नहीं है ना, मैं तो रिएक्शन चैनल हूँ, अभी मैं समझ गया करना है। रिएक्शन चैनल को कुछ नहीं कहना भाई, ट्रिगर्ड इंसान। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई, सब रिएक्शन चैनल एक जैसे होते हैं क्या, कुछ लोग मेहनत भी करते हैं भाई। हाँ तो सही, एक मिनट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे दोस्त की जो हालत है ये डीजे मृणाल ने करी है। क्या करवा रहा तू मेरे साथ, अरे तेरे को बताया रुकना गाइस, ये डीजे मृणाल का बच्चा है, ये डीजे मृणाल का बच्चा है, ऐसे करते हैं समझे क्या। आया बड़ा रोस्टर, अबे पहले मुंह से पान मसाला तो थूक ले। आप लोग की ट्रिगर को इस अगले पार्ट के लिए ना मेरे को एक प्रोफेशनल की जरूरत थी एंड इसलिए मैंने इसको बुलाया है, ये एक प्रोफेशनल VFX एक्सपर्ट है। अरे मैं तो वेब डेवलपर हूं, क्यों कट कर देना प्लीज। तो ये एक प्रोफेशनल VFX एक्सपर्ट है, है तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है, एंड अब ये इन वीडियोस को रिव्यू करने वाला है। व्हाट इज दिस वाह क्या सीन है भाई, इस कमाल की फोटोशॉप एडिटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है, बट ये क्या है, ये तो डट्टी है। ये लड़की रेलवे लाइन के बीचों बीच बैठ के वो भी पॉटी पोज में यूं कर रही है, ये कर रही है, बना रही है, क्या बोलते हैं वो अरे वो समझ गए ना, जिसके बाद करके पानी की दे 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 क्या है यार, ये क्या है, ये YouTube शॉर्ट्स है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। तो ठीक है गाइस, आई थिंक इसको आंखों में हार्ट अटैक हुआ है, पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अभी आंखों में हार्ट अटैक। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वाह मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हो गई काफी ओवर एक्टिव हो गई, ज्यादा हो गई। हल्क पहले यहाँ पे मस्त ऐसा पोज दे के लेटा हुआ होता है और ये बंदा उसको स्पैंक कर रहा है, वाह क्या सीन है। हल्क को बेटे, मैं बस ये कहना चाहूंगा यार, वो बेटे इसके लिए भी मैन बेटे फोटोशॉप, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, मुझे माफ कर दे, आप मुझे छुट्टी दे दे, मैं बस नहीं खेलना चाहता, मैं अब जा रहा हूँ। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के, इसके 150 रुपया काटना ओवर एक्टिंग के, 50 भी नहीं 150 काटना है इसके, बहुत बड़ा ओवर एक्टर है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यूट्यूब शॉर्ट्स पे बस एक ही नमूना है, अरे लाले यहाँ तो सभी दिल चले गए हैं। From one नमूना to another, जिसके सर पे कम है बाल, अपनी माँ का लाल, जिसकी वीडियोस देख के आप हो जाएंगे बेहाल, प्रेजेंटिंग दीपक का लाल। आप लोग बहुत बदसूरत हो, बहुत ज्यादा, इसीलिए आप लोगों को होली के दिनों में लोगों को मेकअप से रंगाना चाहिए जिससे उनकी खूबसूरती में निखार आए, लोगों को रंगाना चाहिए, लोगों को खूबसूरत बनाना चाहिए, है ना मम्मी। हमारा दीपक तो पकड़ पकड़ मम्मी को भी लगाता है, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, आप लोगों को खूबसूरत बनाओ, लव यू फ्रेंड्स, दीपक विद दिस होली वाली होली मैम, मॉम मुझे टाटा का जो, मुझे टाटा का जो, मैं बहुत खुश हूँ, बाय टाटा, टाटा। सेम रिएक्शन आप नोटिस करो, सेम रिएक्शन। What the hell is this YouTube Shorts पे आया हुआ दीपक दलाल, क्या नाम है, What the hell man?
उसकी आवाज ऐसी क्यों है, वो इस तरह क्यों बोल रहा है, एक्टिंग है या वाकई ऐसा है? आई थिंक मेंटली बंदा जो है फारिग हो गया है, फारिग हो गया है भाई। ये बंदा जानबूझ के क्रिंज कंटेंट बनाता है ताकि लोग इसके क्रिंज पने के चलते ही इसको थोड़ी बहुत फुटेज तो दे, बट ये ऐसी शक्ल का बंदा दूसरों को बदसूरत कैसे बोल सकता है? आप लोग बहुत बदसूरत हो। खुद की धूत दस्त लगे दरियाई घोड़े जैसी, और वो भी टकला और दूसरों को बदसूरत बोल रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इससे ज्यादा दुख तो मेरे को इसकी बेचारी मम्मी के लिए लग रहा है। वो इतनी स्वीट सी आंटी इसके साथ बैठ कैसे जाती है इसकी वीडियोस में? वो इसको देख के, इसकी हरकतें देख के वो भी बोलती होगी, क्या मेरी औलाद सही है? साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। आंटी हैड टॉक टू यू, जो ऐसी औलाद आपने सहली, वरना मैं तो कब का नाता आश्रम में फेंका। बचपन में जब बच्चे सर के बल गिर जाते हैं ना, यही नतीजा होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डेस्पासीटो वाले एटमाइक में मेरे मोटो मोटो माला चाय मोटो 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 अटकले ता हगे लगे लोटो डेस्पासीटो मजो मालो बांगड़ा खाऊं दुख तो पाटो बांगलो 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 खाऊं दुख तो मजो पाटो हगे ये लगला माला पाइजे माला लोटो डेस्पासीटो। हेलो क्या लुईस फोंसी ने आत्महत्या कर ली? हे भगवान, बताओ इसका ये गाना सुन के फोंसी भैया चल बसे। मैंने माना ये गाना नहीं गा पाए है जमाना, पर इसका मतलब ये ना लोटो मोटो चौकलो बोटो बांग्ला पोटो। मैं तुम्हें गा के सुना तो ये गाना मैंने सीखा है। डेस्पासीटो लोटो पोटो बांग्ला। Shit is hilarious, भाई मैं long time I didn't laugh this hard, man. Stand up comedy से भी अच्छा roast है भाई ये YouTube shorts का. Holy shit. हाँ मैं छापरी. ये क्या? ये क्या? What is this? What the hell is this? घर जाके अपने बालों के झाड़ू से दीवारों पे लगे मकड़ी के जाले भी तो साफ करने हैं इन्होंने। मेरा हेयर स्टाइल बेकार है मैं जानता हूँ, लेकिन इस बेवकूफ को किसने गलत फहमी में डाल दिया, इस पे हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर यूट्यूब तुम्हें 15-15, 20-20 सेकंड की वीडियोस बनाने के लिए भी पैसे देने लगे और उन वीडियोस को ट्रेंडिंग पे भी डालने लगे, तो यार 10 मिनट की वीडियोस उसके लिए मेहनत करना, पहले स्क्रिप्ट लिखना, फिर रिकॉर्ड करना, एडिट करना, क्यों करना है? फोन उठाया, 15 सेकंड की शॉर्ट्स वीडियो बनाई और कर दी अपलोड। जैसे कि ये क्या नाम नगमा, गेस द प्राइस, और जो गेस करेगा उसको मिलेगा जूता। 450 इज द राइट आंसर। और इस वीडियो पे 6.5 मिलियन व्यूज। ऐसे तो अगर तुमने सही से गैस करा कि मेरे मुट्ठी में कुछ है या नहीं, तो तुमको मिलेगी दीपक कलाल की चुम्मी। अभी बताओ बताओ लाना, क्या कह रहे हो? खाली है? सही बात है। अब ऑफेंड मत हो जाना कि अवेश भैया की वीडियो कैसे यूज कर ली तूने। मैं सिर्फ तुमको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आजकल शॉर्ट्स वीडियोस पे कितने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं एंड यूट्यूब इसको प्रमोट भी बहुत ज्यादा कर रहा है। क्या आने वाले टाइम में लोग जो है वो ऐसा लंबी लंबी वीडियोस बनाना छोड़ के यूट्यूब शॉर्ट्स ही बनाने वाले हैं? क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी जब पैसे बनेंगे एंड सब कुछ होगा, ट्रेंडिंग पे भी आएगा, तो फिर पूरी वीडियो बनाने का क्या फायदा है? यूट्यूब जनता जवाब चाहती है नहीं। एनीवेज, इन्हीं सब सवालों के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ओके फैंस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार देखो, YouTube Shorts इज अ रियल इशू भाई। हम यहाँ क्या, हम पागल हैं? हम यहाँ पे 1.5 साल से लगे हुए हैं। पुरानी वीडियो जाके देखो मेरी, 2016 में मैंने स्टार्ट किया था। जलील हो रहा हूँ यहाँ। इतना कंटेंट, स्क्रिप्ट लिखना, एक्टिंग करना, एडिट करना, अपलोड करना है, फिर उसके बाद कॉपीराइट से बचना, तो ये 16 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड की शॉर्ट्स ना डालें, व्हाट द हेल। लेकिन आई डोंट थिंक कि सेम पॉलिसी होगी। आई डोंट थिंक यू कैन लाइक earn money through YouTube Shorts. If I'm wrong, let me know in the comment section. But I really don't think that's possible. Because if that's possible, तो भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी दे दो, मैं जा रहा हूँ। दूसरी बात, जहां तक वो editing की बात है, जो YouTube Shorts पे लोग अपने TikTok के editing skills लाके यहाँ ले आए हैं, तो भाई Photoshop और ये Premiere Pro, ये Adobe अपने सारे के सारे 30-day trials जो होते हैं ना, या 1 month से ऊपर जितना भी trials का होता होगा, वो सारा कैंसिल कर देगा। यू either buy their product और यू डोंट defame them like this। इस तरह पूरा हाल करोगे तो उनकी खुद की मार्केटिंग की दही बन रही है। वो बोलेंगे भाई मैं, हम लोग ये स्टूडेंट वाला जो पॉलिसी और ये 1 month 1 week ये हम निकाल दें,
हमें नहीं चाहिए। लोग जो है ये इसको मिसयूज कर रहे हैं और अजीब अजीब कोई ट्रेन रोक रहा है हाथ से, कोई औरत बैठी हुई है तालियां बजा रही है, नस्वार बना रही है। What is going on? But then again, this was one of my most favorite roast videos of this year. मैंने बहुत टाइम से इतना नहीं हंसा यार, मुझे तो स्पीचलेस था, हंस हंस के दिमाग खराब हो रहा था और मूड बन गया, सारा दिन मस्त जाएगा भी ट्रिगर इंसान। लव यू ब्रो, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और जितना मैं तारीफ करूँ कम है। रोस्ट वॉज ऑसम, फैमिली इंक्लूडेड थी एंड एक्टिंग, मुझे तो मजा आता देखने के जिनको एक्टिंग नहीं आती और इनको बोले यार प्लीज थोड़ी सी एक्टिंग कर दो, एंड देन उनकी जो एक्टिंग होती है हिलेरियस। इस वीडियो के तो ब्लूपर्स भी बहुत सारे निकलते हैं, अगर ट्रिगर इंसान चाहता तो एक ब्लूपर्स की अलग से 10 मिनट की वीडियो बना सकता था। बट दिस वॉज माई रिएक्शन टू यूट्यूब शॉर्ट्स इज अ न्यू टिकटॉक बाय ट्रिगर इंसान। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, लाइक करोगे तो यूट्यूब आके प्रमोट करता है यार, लोग देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, और प्लीज लाइक जरूर करो, लाइक करोगे तो आगे धंधा चलेगा, सब्सक्राइब करोगे तो आगे मोटिवेशन होगी। So thanks again guys, next video ke liye bell icon daba do, until next time take care, love you all, ciao.